सिद्धांत और संदेश को संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रचारित प्रसारित करने के लिए अनेकानेक रूप में का ज्ञान हम सबको प्राप्त है। जिनके पावन स्पर्श से समय समय पर प्रयागराज धन्य होता रहता था, सभी देवताओं के साथ इसी प्रकार से सभा करते थे, मेले का व्यवहारिक रूप बदला है, पारमार्थिक रूप यथावत। ऐसे भगवान शिव और उनके आसन प्रयागराज के प्रति हम सत सत नमन करते हैं। ऐसे हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन भागवत सम्राट करपात्र जी को धर्म सम्राट कहा गया था, जिनके पावन चरणों में रह करके मैंने विद्या अध्ययन किया। ऐसे हमारे साधना सदन की गुरुवर पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी गणेशानंद जी त्यागमूर्ति जी, उनकी षोडशी पर मैंने समाज से मिलकर के उनको स्वाध्याय सम्राट
के वाक्य से पावन चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और आज इस भागवत मंच से चर्चा तो पहले भी हुई है तत्र और हम महाराज के फोटो के साथ में निश्चित अब ये वाक्य लिख करके एक फोटो प्रणवानंद जी को अर्पित करेंगे भागवत सम्राट पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी। मैंने डोंगरे जी कथा भी सुनी, उद्घाटन भी किया और कथा भी कराई कुरुक्षेत्र में। वो भक्त सम्राट थे, भक्त सम्राट। और हमारे महाराज भागवत सम्राट, ऐसे भागवत स्वरूप महाराज श्री के पावन अस्तित्व में जिनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रेरणा लेकर के हमारे प्रणवानंद जी ने श्रीमद् भागवत का ज्ञानामृत सज्जनों को स्वजनों को वितरण किया है और मेरे को खुशी है कि मैं दादा के साथ भी रहा तो पोते के साथ भी। जैसे अभी बताया भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज के पिता 3 बरस में गुजर गए थे और उसमें वो चतुर्वेदी हो गए थे, अष्टवस्त्र में सर्वशास्त्रविद हो गए थे। कहीं ना कहीं माता पिता के पुण्य से और अपने पुण्य से मेरा समय ऐसा विचित्र रहा है कि मैं प्राचीन संतों के और अर्वाचीन संतों के साथ में एक कड़ी हूं। जब हम साधु बने 14 वर्ष में तो तुरीय अवस्था में स्वामी रामानंद जी उत्तरकाशी में तिलोत में मगरमच्छ की तरह पड़े दर्शन हुए थे। अरे गर्दन घुमाते किसी को देखते नहीं, मलमूत्र विसर्जन भी हो सकता था। साधु समाज में आने के बाद में मत्स्यराम के दर्शन हुए ऋषिकेश में। 1 महीना मैंने पूरी तरह से उनकी प्रवृत्ति को और निवृत्ति को देखा। 1 महीने में कभी उन्होंने मेरे को कोई बात न कही न सुनी न सुनाई न सुननी चाहिए। जीवन को समेटने के लिए 1 महीने में बहुत कुछ मिला। उसके बाद में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी हरि बाबा और पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज, माँ आनंदमयी माँ, जो सचमुच में मेरी एक बहुत उदार माँ थी। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थर्मामीटर प्राप्त करना है या टेस्टर जो बिजली को जानने वाला होता है। जिस दिन आप टेस्टर बन जाओगे,
इन महापुरुषों का, इन तीर्थों का, इन नदियों का, इन सागरों का, इन पर्वतों का जो परोक्ष करंट, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कहां कितना करंट और क्या है, कैसा है। आज भी मैं कलिकाल में इतना जानता हूं कि आपके दादा गुरु के साथ तल्लीन होकर के, मां के चरणों में बैठ करके चार भागवत मैंने आनंदमय महाश्रम में सुने, एक भागवत अहमदाबाद सुना, पांच भागवत सुने। मां की कृपा से आज मेरे को, आज भी कलिकाल में भी, यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयुतम्, यस्य विद्या च कीर्तिश्च सतीर्थ फलमश्नुति। भागवत भगवान के सानिध्य में, गोद में कहते हुए आपके उत्साह वर्धन के लिए रोमांच होता है। जैसे कोई बालक अपने माता पिता से अधिकार की जिद करता है, डिमांड करता है, मांग करता है। हरिद्वार में मेरे को गंगा किनारे रहना था, दो वर्ष तक 200 प्लॉट देखे। एक दिन खिन्न मानस होकर के दक्ष मंदिर में गया, दर्शन करे, स्नान किया, गंगा किनारे बैठ करके जल अंजलि में लेके कहा, मां अगर कुछ पुण्य है, आनंदमयी मां अगर कुछ पुण्य है, बाबा दक्ष अगर कुछ पुण्य है, जल्दी फैसला करो और कोई गंगा किनारे प्लॉट दो। बालक की तरह जिद करके चला गया, रात्रि में सब सरोवर सोया, विशाल गंगा नदी स्वप्न में दर्शन दे रही है। मैं उसमें अवगाहन कर रहा हूं, बड़ा आनंद आया। और सुबह हमारे जूना अखाड़े के सचिव देवानंद जी आए, खींचते हुए बोले, अब क्या सारा हरिद्वार खरीदोगे, चलो एक प्लॉट आपको दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? आनंदमयी के आश्रम के पास। उस समय महाराज ऐसा करंट लगा शरीर में, आनंदमयी मां के पास वहां कोई प्लॉट नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं चलो चलो चलो। और आज आनंदमयी मां के चरणों में वो संस्थान आकार लिए खड़ा है। उसको लिया और इन्हीं हाथों से निर्माण भी किया। देखो मैं आचार्य हूं लेकिन मैं चिनाई भी जानता हूं, प्लास्टर भी जानता हूं, टाइल लगाना भी जानता हूं, कलर करना भी जानता हूं, लेंटर डालना भी जानता हूं। ठीक है जी, ये कहानी आप सोमेश्वर धाम में बैठ के पढ़ जान सकते, सुन सकते। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी यह अध्यात्म दैवी संपदा है, यत्र तत्र जो परोक्ष रूप में व्याप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए टेस्टर की जरूरत है। आज यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा महाराज जी ने आरंभ की है। अभी अभी मैं एक अभिधा भागवत के मंचों पर दे रहा हूं कि भास शब्द जो है वो भगवान के साथ भी जुड़ा है, भारत देश के नाम के साथ जुड़ा है,
और प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। भा भारतीय भारत भागवत। तो मैंने एक विचार किया है कि जो भागवत है ये सामान्य लोगों को ग्रंथ नजर आता है, लेकिन इस भागवत में से जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन वो वास्तव में भागवत जो है वहां से रिफ्लेक्शन करते हुए प्रणवानंद जी के रूप में भागवत हो गया। भामनिक गुरु प्रकाश भा प्रकाशे भा दीप्तो भा भाष्य रोशनी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि ये तो है कारतूस। भागवत क्या है? कारतूस है। और ये राइफल है। कारतूस आप जेब में लिए फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो राइफल में नहीं जाएगा कारतूस, और जब वो कारतूस राइफल में जाता है तो मार करता है, लक्ष्य साधता है। इसलिए ये प्रकाश जो है शास्त्र सम्मत, गु शब्द अंधकार अस्ति, रु शब्द तद निरोधक, अंधकार विरोधित्वात् गुरु रित्य विधि। भागवत अंधकार विरोधी है और कारतूस की तरह जो है एक निष्काम वक्ता में आधार पार करके वो लक्ष्य का वेदन करता है। इसलिए आप ये समझना कि इस प्रकाश का जो रूपांतर, ये प्रकाश है गुरु प्रकाश। एक बात और ध्यान देना, हम डेकोरेशन करते हैं, ये लगे हुए हैं सब, झालर लगे हैं, ये लगे वो लगे, बाहर निकलेंगे तो बड़ी रोशनी है, आकाश की ओर देखेंगे तो चंद्र और तारे, लेकिन याद रखना भागवत उनकी चर्चा नहीं कर रहा है। वो प्रकाश यहां स्वीकार्य नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी कोई महिमा नहीं है। न तत्र सूर्योवात न चंद्र तारक नैमे विद्युतो भान्ति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तम् मनोभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं भासते। वो प्रकाश सत है, अभी बता रहे थे, वो प्रकाश सत है, वो कभी तिरोहित नहीं होता है। सत शब्द का अर्थ होता है जो तीन काल में रहे, भूत में, भविष्य में, वर्तमान, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, उसको कहते हैं सत। अब भूत में हो, वर्तमान में न हो, या वर्तमान में हो भविष्य में न हो, उसको असत बोलते। इसलिए उपनिषदों ने जब विचार किया है तो असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, सब लोगों लोकांतर असत हैं, अभी बता रहे थे सच्चिदानंद रूपाय कथा है ना, अभी सुनिए आपने बात प्रणवानंद जी से। इस कथा के आधार शिव और पार्वती, उसी भंडार से ये अमर कथा चली है, और इसका आहरण करने वाले, ग्रहण करने वाले सुखदेव जी महाराज।
एक अभिधा है, अच्छा भगत जब कहीं अटक जाता है थोड़ा बहुत तो वो तोता बनता है। वर्षों से प्रणवानंद जी तोतों के जीवन का अध्ययन मैंने बहुत गहराई से किया, बहुत गहराई से, और कम से कम मेरे जीवन में 5000 तोतों का संपर्क हुआ। आजकल कह रहे हैं ना गोल्ड बाबा, लैपटॉप बाबा, तो हम जो हैं सुख बाबा है, तोता बाबा है। 5000 तोते लिया, देखा, समझा, उड़ा दिया, लिया, देखा, उड़ाए, समझा दिया। उनका देश, उनका काल सब मेरे से बंधे हुए। तो मैंने सोचा ये 5000 श्रोता कहीं अटक गए थे थोड़ा बहुत, तो अब ये संस्पर्श पाके मुक्त हो जाएंगे। क्यों? सात्विक आहार, सात्विक। नारायण ने उनकी चोंच ऐसी बनाई है कि ऊपर से तो ऐसी है नुकीली कांटा जैसा, और नीचे कटोरी जैसे, ऐसे जैसे अंगूठा है, तो बड़े आराम से फल को उसमें से टुकड़ा निकाल के खा जाता। और दूसरी बात, जो भी उसके सामने आएगा बोलेगा मिठू राम, मिठू राम, मिठू राम, मिठू राम। और एक पोपट तोता तो मेरा मोबाइल से बात करता है, और ये महात्मा लोग जब विरही भक्त को छोड़ देते हैं ना, और उसमें कोई थोड़ी कमजोरी होती है तो तोता बनता। भगवान ने विरही अप्सराओं को छोड़ दिया था, वर्षों वर्ष युग तक उनको तपस्या करनी पड़ी। इसलिए जो तोता है वो राधा जी के साथ भी रहता था, सीता जी के साथ भी रहता था। रामचरितमानस में अभिधा आती है, जब हम अपनी अवधि भाषा में विचार करते हैं कि जब सीता जी विदा होने लगी तो तोते पिंजरों में छटपटा करके उल्टे गिर गए, चिल्लाते हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो, उल्टे होकर। राधा जी का तोता, मंडन मिश्र की तोते, ये सुख जी का प्राइमरी स्वरूप है। और देखो एक बात, जब आप कहीं बैंक से पैसा, जब आप कहीं से पैसा प्राप्त करके प्राप्त करते हैं, वो गड्डी आ जाती है 20-20 हजार की, 500-500 रुपए की, 2-2 हजार की गड्डी आती है, तो कहाँ जाते हो बोलो, कहाँ जाते हो? उसको बैंक में रखने जाते। सुखदेव जी को भी जब भगवान शंकर से अमर कथा का धन मिला तो बैंक कौन था? व्यास जी बैंक थे, उसी में सुरक्षित रह सकता था। और थोड़ा बहुत पैसा होता तो जल्दी निकल जाता है, और ज्यादा धन होता तो कई वर्ष रखना पड़ता, खर्च होता नहीं, 12 वर्ष रहे। ये व्यास जी महाराज कौन है? ये नारायण का रूपांतर है, नारम ज्ञानम,
तसयनम भंडार आगारंच आधारंच नारायण नारायण। ये सन्यासी लोग ज्ञान के भंडार होते हैं, इसलिए इनको नमो नारायण बोलते हैं। तत्सादृश होते हैं, काषाय वस्त्र मात्रेण नरो नारायण भवेत्। ये भी ज्ञान के भंडार है। अचतुर वदनो ब्रह्मा दिवाहोर परो हरि अभाल लोचन शंभो साक्षात बादरायण व्यासोचिष्ट जगत सर्वम। तो देखो सच्चिदानंद रूपाय जब सती और शंकर का विवाह हुआ, तब से इस शब्द ने प्रकृति और पुरुष में साकार यात्रा शुरू कर दी। लेकिन भगवान शंकर सती के जीवन में इसको प्रतिष्ठित करने में सफल नहीं हुए। वस्तु तो थी पर पात्र नहीं था। एक बार त्रेता जो संभो गयो को महाराज अभी बताए आपको शब्द। ये शब्द बहुत आवश्यक समस्या है, बाकी तो समस्या अपने दिमाग से है और ये समस्या जो है उनके दिमाग से। सुरगुरु वंदे देव महापतिम सुरगुरु। सुरगुरु ने इस सच्चिदानंद की प्रतिष्ठा एक जीव में करनी चाहिए और उसकी शुरुआत सती से हुई और राम भगवान जा रहे हैं। सीता का अपहरण हो गया, वो भी एक समस्या है। सीता का अपहरण होना भी सच्चिदानंद रूप में एक विघ्न है, वो भी प्रतिष्ठा नहीं हुई। और उसके मूल में क्या था मालूम है? वित्तीष्णा। उस वित्तीष्णा ने सीता जी का स्वरूप विकृत कर दिया। वासना में स्वीकार्य है, प्रेम में स्वीकार नहीं है। प्रेम में तो केवल एक प्रेमास्पद ना मैं देखो और को ना तो ही देखन दो, तो स्वर्ण मृग कैसे दिखाई दे। इसलिए भगवान राम लीला कर रहे थे और सती को, जिसका सत्संग बिगड़ता है उसका फिर सब कुछ बिगड़ता। कुंभज ऋषि पे गए अपने, तुलसीदास जी महाराज ने 3 स्टार बना दिया माता जी को, और पुलिस वाले होते ना 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, 7 में 3 स्टार वाली माता जा रही है। संग सती जग जननी अखिलेश्वर जा।
देखो एक बात, अगर आज समझेंगे ना आप तो कुछ प्रमोशन हो जाएगा। आप आए यहां त्रिवेणी स्नान के लिए, कुंभ स्नान के लिए, आप कुंभ स्नान के लिए आए, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आज आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां कुंभ स्नान के फल से विशेष फल है। और आप एक बात और भी समझेंगे कि शायद वो तीर्थ आपके वहां जाने पर, स्नान करने पर उतने खुश नहीं हुए आपसे जितने कि यहां आप बैठे हैं, तो वो आप पर खुश हो रहे। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचतोदार कथा प्रसंग। ये सब जानते हैं, शास्त्रविद जानते हैं कि आप जहां तीर्थ नहाने के लिए गए थे और बहुत दूर से आए, वो तीर्थ अभी इस आभा मंडल में विराजमान है और आप श्रद्धा से कथा सुनेंगे तो वो यहीं बैठे बैठे आपको पूरा अपना जो है पुण्य प्रसाद अर्पित कर देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो 3 स्टार वाली माता जो है भारद्वाज के आश्रम में सत्संग नहीं सुन पाई शांति से। चलो जी, चलो जी, चलो जी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तुलसीदास जी निराश होके कह रहे हैं, जब वो सत्संग में आई थी तो 3 स्टार लगा दी और जब वो सत्संग से गई तो कहा दक्ष रजोगुणी, दक्ष की बेटी कहां सत्संग सुन पाएगी। दक्ष कुमारी सत्संग के योग्य नहीं है, जाने दो इसको। लेकिन भगवान शिव ने डंके की चोट पे अपना उद्देश्य जीव और ब्रह्म के बीच में प्रतिष्ठित कर दिया। जीव की प्रतीक सती है और ब्रह्म के प्रतीक राम है। किसी को भी समझने के लिए बहुत विचारमान दृष्टि का की आवश्यकता है। और एक बात ध्यान रखना, जहां शिव राम को समझ रहे हैं वहां अनिवार्य है कि सती भी समझे, और नहीं अगर समझ रही है तो समय की इंतजार करनी होगी। रोते बिलखते राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। एक बात और ध्यान रखना, हमारे प्रणवानंद जी प्रयास कर रहे हैं कि जहां हमारे दादा गुरु का आसन था हम वहां पहुंचे और वहां से जो उनको दिखता था वो हमारे को भी दिखे। एक परोक्ष ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान है, श्रद्धा और विश्वास। गुरु छत पे खड़ा है, चेला आंगन में खड़ा है नीचे, गुरु जी कह रहे हैं देखो कुंभ नगरी क्या शोभा है। अच्छा गुरु जी, अच्छा गुरु जी, अच्छा गुरु जी, गुरु जी ऊपर से वर्णन कर रहे हैं, झलरियां है, हैलोजन है, लाइट है, ट्यूब लाइट है, हरी पीली नीली लाइट है। शिष्य श्रद्धा से सुन, अब क्या करना पड़ेगा कि शिष्य को आंगन से छत पर जाने के लिए
आरोहण करना पड़ेगा। आरुरुक्षुर मनुर्योगम कर्म कारण मुच्यते, जाना पड़ेगा। और जब वो अपने गुरु के पास में जाएगा, उनके निकट जाएगा, उनके समांतर जाएगा, ईश्वरो गुरुरात्मे त्रिमूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा, तो उसको भी कुंभ नगरी का पूरा नजारा दिखेगा। पर बीच में नहीं अटकना है, कोई पहली सीढ़ी पे अटक जाता, कोई दूसरी पे, तीसरी भी, वो सीढ़ियां बड़ी, ये सीढ़ियां 6 इंच की होती है और वो होती है 6 जन्म पार नहीं होती, पैर उठाते रहो नहीं पार होती। तो सच्चिदानंद रूपाय में भगवान शंकर ने ये प्रतिष्ठा की थी और इसके लिए सती को प्राश्चित करना पड़ा, नहीं समझी तो, और उसके बाद में पार्वती जीवन प्राप्त करना पड़ा। एक जन्म और सती को पार्वती होकर के शंकर को समझने में लगा है। ये देवों की बात है, आदि सृष्टि की बात है। 28 सतयुग बीत चुके, 28 त्रेता बीत चुके, 28 द्वापर बीत चुके, आज 28वें कलयुग में यात्रा करने वाले जीवों के लिए कितना कठिन हो सकता है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तप करना पड़ेगा और उस तप के बाद में सच्चिदानंद की प्रतिष्ठा हुई है। इसी के लिए भागवत की कथाएं हैं, इसी के लिए रास लीला है, रसो व्यह सह सचिदानंद रूप, वही रस है। और सबसे बड़ी बारी बात यह है, ध्यान रखना, भागवत की कथा अपने से शुरू होती है, अपने विकारों से शुरू होती है, अपने विचारों से चलती है और अपने में ही उस कथा की पूर्णावती होती है। मंजिल भी मैं ही हूं और राही भी मैं ही हूं, वही पूरी होती है, यही सच्चिदानंद है। तो आप भाग्यशाली हैं, बोलने को बहुत कुछ होता है। सच्चिदानंद कब आया पार्वती जी की समझ में, देखो भक्ति किसको कहते हैं। जब आप संतों के बिना और गुरुजन के बिना, आश्रम के बिना नहीं रह सकेंगे और आपको अंदर नारायण घाटी कठिन जहां प्रेम को धाम विरह मूर्छा शिष किया ये मग के विश्राम, तब समझो कि आपके अंदर भक्ति पैदा हो गई। माता पिता, राजा रानी, सर्व ऐश्वर्य संपन्न एक तरफ और गुरु नारद एक तरफ, अभी अभी हाथ देख रहे थे और अभी अभी ऐसी घटना घट गई कि उनको गुरु के पद पर जजमेंट देना पड़ा। उमा और हिमालय, उमा नाम क्यों पड़ा उनका? जैसे ही नारद जी ने कहा कि इसको शंकर को पाने के लिए चलना पड़ेगा तो वो बोली, उमा मेरी बेटी और तपस्या करेगी, बस आमने सामने। और शंकर भगवान के लिए नारद जी ने कहा तप करो, तप तप हुआ, शंकर मिले, सच्चिदानंद मिला है, तप से मिला है। तो कथा भी तप है, जप है, आप आज शुरुआत है, तो हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और
जो गुरु चाहता है, जो गोविंद चाहता है, ये गुरु गोविंद के बीच की श्रद्धा की कथा है। इन्हीं शब्दों के साथ अत्यंत महत्व का भागवत, सभी तीर्थों का सम्माननीय भागवत, सभी विद्वानों का सम्माननीय भागवत, सभी अवतारों का भंडार भागवत और सभी समस्याओं का समाधान भागवत आप पर कृपा करें। प्रणवानंद जी को दीर्घायुष्य प्राप्त हो और स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन भाव न्याय मार्गेण मही भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नवी ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नवी ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, अजी आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पन कोली शनिवार की बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्याम यही राजश्याम यही। श्री सर्वेश्वर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करुणावतारम संसार शारम्भो
भुजगेन्द्रयारं सदापसन्तं हृदयारि विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पित्रमेव जलेनारर्तिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं समर्पयामि पुष्पेण दीपावन्दनं कृत्वा हस्तेनात्मावन्दनं आशुतोत्तरणं नीराञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जजियेनादजियमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः हरिओं राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिओं स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं राज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्य महाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुहान्तार्थात् परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय ईकराडिदिद्रव्ये स श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविच तस्य कामप्रीरविश्वे दीवाः सभासद हरि ओं विश्वात चक्षुरुत विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुत विश्वात स्पात संबाहुव्यान्तमति सम्पतित्रैर्द्यावा भूमि जनयन्तीव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम कात्यायन्ये च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दन धीमहि तन्ना कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः बोलिए भागवत महापुराण की सदगुरुदेव भगवान की जय हो तीर्थराज प्रयागराज की जय हो पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय हो